एक अजय नाम के आर्मी जवान लड़का था जो अपनों दोस्तों के साथ ड्यूटी पर से घर आ रहा था। एक दोस्त का घर उसी रास्ते में था। जिस दोस्त के घर एक भारी मेला लगी थी, उसी मेला में उसके दोस्त बोले कि चलो हमारे घर और मेले में घूमकर अपने घर जाना। तभी अजय बोलता है कि ठीक है, चलो तुम्हारे घर चलते हैं और मेले में भी एंजॉय कर लेते हैं। एंजॉय करने के बाद तब मैं अपने घर जाता हूँ। मेले में अजय और उनके दोस्त पूरा एंजॉय कर लेते हैं, तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं तो एक स्त्री बोलती है कि खिलौना ले लो, 10 रुपए के खिलौना ले लो। तब उस स्त्री के ऊपर अजय का नज़र पड़ता है तो अजय देखते ही रह जाता है। आखिर वो लड़की कौन थी? वो लड़की अजय के पत्नी थी। जब लड़की अजय को देखती है तो सर झुका लेती है। दोस्तों, ये कहानी एक फौजी और एक अमीर घर के लड़की का कहानी है। जिस सुनने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एक हाउसवाइफ का हौसला और बढ़ सके। तो ये कहानी आजमगढ़ की कहानी है, जिसमें लड़का का नाम अजय होता है और लड़की के नाम अर्चना। अजय एक गरीब परिवार के लड़का था जो मेहनत मजदूरी करके अब पढ़ लिख कर एक आर्मी के जवान बना था, और अर्चना जो थी ओबड़ घर की पैसे वाले घर की लड़की थी। जब अजय पढ़ लिख कर नौकरी पा लेता है तो अजय के रिश्ता अर्चना के घर से आता है और दोनों का रिश्ता तय हो जाता है, शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो दोनों पति पत्नी एक साथ रहने लगते हैं। जब अजय का छुट्टी पूरा हो जाता है तो अजय अपने ड्यूटी पर चला जाता है। जब अजय अपने ड्यूटी पर चला जाता है तो अजय के पत्नी उनसे घर की शिकायतें करने लगती है। कभी माता के शिकायतें करती है तो कभी पिता की शिकायतें करती है तो कभी घर की शिकायतें करने लगती है। इस बात को सुनते सुनते अजय का साल भर बीत जाता है। जब अजय साल भर के बाद बाहर से छुट्टी पर घर आता है तो अजय के साथ बाहर जाने के लिए अजय को पूरे तरीके से कान भर देती है। तभी अजय अपने माता पिता से कहने लगता है कि माता पिता, तुम लोग अच्छे से बनाना खाना। तभी अजय के माता पिता कहने लगते हैं कि अजय, तुम तो ड्यूटी पर रहेगा, तुम्हारे पत्नी का ख्याल कौन रखेगा? तभी अजय बोलता है कि जाने दो, कोई बात नहीं है, सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा। उसको बाहर लेकर जा रहा हूँ। अजय नहीं मानता है और अपने माता पिता को दिल दुखाते हुए अपने पत्नी को लेकर चल देता है। जब अजय पत्नी को बाहर लेकर जाता है तो एक किराए पर रूम खोजकर उसको शिफ्ट कर देता है और अपने ड्यूटी पर तैनात हो जाता है। ड्यूटी पर तैनात हो जाता है तो कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन अर्चना उसके पास फोन करती है कि मेरा पंखा खराब हो गया है। अजय ने किसी मिस्त्री के पास फोन करके पंखा को बनवाने के लिए रूम पर भेज देता है। मिस्त्री आता है और पंखा बना लेता है। मिस्त्री के सुंदरता देखकर अर्चना उसके ऊपर भूल जाती है और उनका मोबाइल नंबर ले लेती है। उनका मोबाइल नंबर लेने के बाद उनसे बात करने लगती है। दूसरे दिन भी पंखा के तार छुड़ा देती है और तार छुड़ाने के बाद पंखा खराब होने के बहाने उसको फिर से अपने घर बुला लेती है।
घर बुलाने के बाद उससे गहरी बातें चित करने लगती है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो मिस्त्री बोलता है कि नहीं, कुछ दिन के लिए ठहरो, कुछ दिन के बाद मैं ले जाऊंगा। जब से मिस्त्री से रिलेशन उसका चालू हुआ था तो अजय के फोन आता था तो काम के बहाने कहकर उसका फोन काट देती थी और उनसे नफरत करने लगती थी। दिन बीतने के बाद मिस्त्री आता है और उसको लेकर अपने साथ चला जाता है। ले जाने के बाद जब ये बात सारी अजय को पता चलती है तो अजय ड्यूटी से निराश होकर अपने घर आता है। घर आने के बाद अपने माता पिता से ये जब बात बताता है तो माता पिता कहने लगते हैं कि हम बोले थे ना कि आप अपने परिवार को मत लेके जाइए, आप तो एक सरकारी जॉब कर रहे हो, उसके बाद उसको कौन देखेगा, तो आप भी नहीं माने। ये बात को सुनकर अजय और फूट फूट कर रोने लगता है और माँ बाप से माफ़ी मांगने लगता है कि मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। अजय के सब ये बात सभी लोग को पता चलता है तो अजय का रिश्ता भी लाने के लिए तैयार लोग हो जाते हैं, लेकिन इस बात को इनकार करते हुए अजय कहता है कि अभी मैं शादी नहीं करूंगा, 2-3 साल बाद करूंगा। अजय फिर से अपने ड्यूटी पर चला जाता है। जब 2 साल बीतता है तो अपने दोस्त के साथ घर आ रहा था, तभी रास्ते में उनके दोस्त का घर था तो उसी के घर के बगल में एक भारी मेला लगा था, जिस मेला में उनके दोस्त ने बोला कि चलो घूमकर एंजॉय कर ले। जब उस मेला में जाता है तो चारों तरफ घूमने के बाद दूसरी तरफ जाता है तो एक औरत बोलती है कि खिलौना ले लो, खिलौना ले लो, 10 रुपए के खिलौना ले लो। जब अजय के नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ता है तो वो लड़की सर झुका लेती है, तभी अजय पास जाकर बोलने लगता है कि ये क्या कर रही हो तुम, वही अर्चना हो जो मुझसे शादी की थी। इस बात को सुनने के बाद अर्चना फूट फूट कर रोने लगती है और सारी बात अजय से बताती है और माफ़ी मांगने लगती है। तभी उनका दोस्त बोलता है कि अरे भाई, यही भाभी है जो इसको छोड़कर चली गई थी। तभी उनका दोस्त बोलता है कि छोड़ो भाई, माफ़ करो और इनको अपना लो, सुबह के भटका हुआ शाम को मिल जाए तो वो कोई गुनाहगार नहीं होता है, उस गुनाह को तुम माफ़ कर दो और इसे अपना लो। इस बात पर अजय एग्री न होते हुए अपने माता पिता के पास फोन करता है और कहने लगता है कि माता पिता, आज तो उस ऐसी ख़राब हालत में अर्चना मुझे मिल गई है। जब उसके माता पिता ये बात सुनते हैं तो कहते हैं, बेटा कतई तुम्हारा दूसरा शादी होगा तो उससे भी खराब होगी, उसे अपना लो, उसके गलती का उसे एहसास हो गया होगा, उसे अपना लो। इस बात को सुनने के बाद अजय के माता पिता को बहुत खुशी होती है और कहते हैं कि बेटा उसे अच्छे तरीके से लाओ, मैं दुनिया को ये बता दूंगी कि बेटे की बहू बेटे के पास गई थी, वो आज आ रही है। जब अजय अपने पत्नी को घर लेकर आता है तो जब उससे चाय मांगता है तो चाय तो बना देती है, लेकिन चाय देने में उसे बहुत शर्म आती है कि मैं
एक आर्मी जवान के साथ कितना भारी गलती की हूँ। तभी अजय उठता है और रसोई घर में जाता है। लाकर अपने माता पिता को दे देता है और अपने भी पीने बैठ जाता है। और उसके बाद अर्चना से कहने लगता है कि क्या तुम्हें अपने माता पिता और अपने पति को नौकरी का भी थोड़ा लाज लिहाज नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा कदम उठाई। क्या तुझे एक कदम उठाने में भी थोड़ा शर्म नहीं आया कि आगे चलकर हमें क्या लोग कहेंगे। अर्चना पैर पर गिर जाती है और माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, अब मुझसे गलती नहीं होगा। कुछ दिन बीतने के बाद अजय का एक पुत्र होता है और पुत्र होने के बाद उसके माता पिता और अजय और उसके पत्नी भी बहुत खुशी के साथ जीने लगते हैं और खुशी के माहौल हो जाता है। दोस्तों, आप ही बताइए कि अजय के साथ जो अर्चना ने की वो सही की कि गलत की, और अजय भी जो कदम उठाए वो अर्चना के लिए क्या सही उठाए कि गलत उठाए, आप लोग ही बताइए। और एक हाउसवाइफ के हौसला बढ़ाने के लिए एक लाइक ज़रूर करें। और एक से बढ़कर एक पारिवारिक कहानी आपके बीच लाती रहूंगी। और एक हाउसवाइफ होने के नाते परिवार को जागरूक करना बहुत ही ज़रूरी है कि आज के ज़माने में जो हो रहा है वो बहुत सरासर गलत हो रहा है। कहानी को सुनने के साथ साथ अपने माता पिता के पांव में हमेशा झुक कर रहें कि माता पिता के कद्र क्या होता है।